से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग कर। सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बनाएंगे जैसा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा वैसा ही ट्रेंडिंग लायरिकल स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी चैनल पे जितने भी रेसो एप्लीकेशन के लायरिक्स के वीडियो है वहाँ पर बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में जो है रेसो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है और वो लोग जो है ब्लैक स्क्रीन नहीं बना पा रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ पर उसका सोल्यूशन वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लायरिक्स ऐड किए हैं जो कि सेम टू सेम रेसो एप्लीकेशन के जैसे ही है, थोड़े से चेंजेस जरूर है लेकिन उसके जैसे है जो अपने आप ही फ्लोटिंग हो रहे थे। अगर आप भी इसी टाइप का लायरिकल स्टेटस बना चाहते बिना रेसो एप्लीकेशन तो उसको कैसे बनाते वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टाइप का वीडियो बनाने के सबसे पहले हमें लायरिक्स की ब्लैक स्क्रीन बनानी होगी। तो लायरिक्स की ब्लैक स्क्रीन कैसे बनाते हैं तो वही चीज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर देना है, जहां पर आपका अकाउंट है वहां पर आपको चले जाना। तो चलिए मैं चलता हूं अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में और वहां पर मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ गए हूं, आपको भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों अभी तक अगर मुझे यहां पे फॉलो नहीं किया तो यहां पे फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा, यहां पे मैं बहुत अच्छे वीडियोस में डालता रहता हूं। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर इसके होम पेज पे आपको आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद दोस्तों यहां पे जो योर स्टोरी लिखा वहां पर आपको आ जाना है। देन दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा इमेज का अपलोड करने का ऑप्शन, तो यहां पर आपको आ जाना है और यहां पर आपको ब्लैक कलर की इमेज ऐड कर देनी है। अगर आपके पास इस टाइप की ब्लैक कलर की इमेज नहीं होगी तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से इस ब्लैक कलर की इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों यहां पर आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों ऊपर की साइड पे जो मिलता है स्टिकर का ऑप्शन उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। देन दोस्तों यहां पर आपको मिलता है म्यूजिक का ऑप्शन, तो म्यूजिक वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो जैसे म्यूजिक पे टैप करोगे यहाँ पे बहुत से सॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से जो भी सॉन्ग आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको मूड का मिलेगा, जनर्स का मिलेगा, यहाँ से आपको रोमांटिक या हिंदी या फिर जो भी आपको पसंद हो बहुत से यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें से आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी सॉन्ग चाहिए उस वाले सॉन्ग पर आपको टैप कर देना है। सॉन्ग पे जैसे टैप करोगे सॉन्ग देखे इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है, इसके जो लायरिक्स हो इसी टाइप के आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए जो तीसरे नंबर का ए वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के सब मिलेंगे लायरिक्स, लेकिन आपको यहाँ पे तीसरे नंबर वाला लेना है जो कि हमारे जो रेसो एप्लीकेशन है उसके जैसे ही दिखता है। तो आपको इस टाइप से आपको इसको ले लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको सॉन्ग को इधर से आगे या पीछे कर सकते हैं, जो भी पार्ट आपको सॉन्ग का चाहिए उस वाले पार्ट को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको डन कर देना है, ठीक है। डन करोगे तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि इस वीडियो को आप डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, या तो फिर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये जो सॉन्ग है आपके कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना है। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत से मैंने स्टोरीज डाल दी, उसके बाद जब भी मैं डाउनलोड का ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर मुझे जो मिलता है कि भाई ये सॉन्ग जो है अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो आपको एक ही चीज़ कर देनी है, आपको जैसे हम रेसो एप्लीकेशन में स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं वैसे ही आपको भी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का एप्लीकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से उस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। देन दोस्तों आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर दीजिए, जितना भी पार्ट आपको सॉन्ग का चाहिए उतने सॉन्ग के पार्ट को यहाँ पे ऐड करके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों लायरिक्स के लिए बैक स्क्रीन बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन का नाम है एवी प्लेयर एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको जरूरत होगी मेरे इस टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिए। और टेम्पलेट को जैसे डाउनलोड करोगे वो आपके एवी प्लेयर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे वैसे ही दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जिस भी फोटो पर स्टेटस बनाना है उस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन पे आ जाना है। पेंसिल वाले आइकन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज लिखा है उस वाली इमेज पे आपको आ जाना है। देन दोस्तों इसकी इमेज में जाना है, फिर कस्टम इमेज में जाना है और यहाँ पर आपको पिक इमेज पर जाके जो भी फोटो चाहिए उस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एकदम लास्ट वाली इमेज पे आपको आ जाना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है इमेज जो पीएनजी लिखा है उस वाली इमेज में, अब दोस्तों यहाँ पर आ जाना है इसकी इमेज में, फिर कस्टम इमेज में और यहाँ पर पिक इमेज पर जाके जो मैंने समवन स्पेशल का जो पीएनजी दिया है उस वाले पीएनजी का आपको डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस वाले पीएनजी को डाउनलोड कर लीजिए। देन दोस्तों यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों अगर आपको वो वाली पीएनजी नहीं चाहिए, अपने से कुछ और आपको यहाँ पर लिखना है और वहाँ पर ऐड करना है, तो आपको पिक्सल एप्लीकेशन के अपनी पीएनजी बना लेनी है और पीएनजी बनाने के बाद दोस्तों उस पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपको यही फोटो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, देन यहाँ पर ऐड कर दीजिए।
तो फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों एकदम स्टार ऊपर की साइड पे आपको आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज लिखा है उसके नीचे जो एक इमेज है वहाँ पर आपको टैप कर देना है। देन इसकी इमेज पे आपको आ जाना है। देन नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो मास्क मोड लिखा है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ब्लैक लिखा है वहाँ पर आपको टैप करना है। देन इसको ट्रांसपेरेंसी कर देना है। तो इस टाइप से देखिए पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो भी आपने लायरिस की ब्लैक स्क्रीन बनाई है उसी सॉन्ग के हमें वीडियो को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने जो भी लायरिस बनाए उस वाले सॉन्ग को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। आपके पास वो वाला सॉन्ग नहीं रहेगा तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना MP3 फॉर्मेट में। देन दोस्तों आपके मोबाइल में ऐड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन लाइन वाला सॉन्ग आ जाना है, देन लाइब्रेरी पे आ जाना, फिर यहाँ पर ये वाला सॉन्ग आपको मिल जाएगा, ठीक है। MP3 सॉन्ग आपको मिल जाएगा, उसमें जो भी सॉन्ग के आपने लायरिक्स बनाए हैं उस वाले सॉन्ग को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सॉन्ग के जैसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद फिर से तीन लाइन वाला सॉन्ग आ जाना है, फिर आपको आ जाना है विजुअलाइजर पर। अब दोस्तों जो भी पार्ट का आपने ब्लैक स्क्रीन बनाया है उस वाले पार्ट पर आपको आ जाना है, ठीक है। सॉन्ग को प्ले करना है, सुनना है और जो भी पार्ट है उस वाले पार्ट पे आपको आ जाना है। मान लीजिए जो पार्ट है वो 20 सेकंड के बाद स्टार्ट होता है तो आपको याद रख लेना है। देन दोस्तों डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो भी 1920 लेना है और वीडियो हाइट 1080 ले लेना है अगर ये वाली हाई क्वालिटी में वीडियो बनेगा। अगर ये वाली क्वालिटी आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है देन आपको वीडियो भी 1280 रखना है और वीडियो हाइट 720 ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ मान लीजिए 20 सेकंड के बाद आपका सॉन्ग स्टार्ट होता है तो स्टार्ट एड पर टैप करना है, फिर यहाँ पर आपको इसको 0 रखना है और इसको 20 सेकंड कर देना है। देन ओके, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद दोस्तों जितने 20 सेकंड का आपका ब्लैक स्क्रीन है, मान लीजिए 10 सेकंड या 15 सेकंड या 30 सेकंड का है, उतने सेकंड आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो एंड डेट पे आ जाना है। फिर दोस्तों मान लीजिए 10 सेकंड का वीडियो है तो इसको हम 0 रखेंगे और 20 और 10 30 होता है तो मतलब 30 सेकंड। देन ओके, तो स्टार्ट पॉइंट है 20 और एंड पॉइंट है 30, मतलब के बीच के 10 सेकंड का वीडियो हमारा बनेगा। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे एक्सपोर्ट करोगे ये वीडियो जो आपकी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 100% कंप्लीट हो जाएगा आपकी गैलरी में वीडियो सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 100% होने का वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे 100% कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको एवी प्लेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको एवी प्लेयर से सही से नहीं बना सकते तो आप इसको काइन मास्टर से भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बीट के साथ नहीं मिल पाएगा। अगर आप एवी प्लेयर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे फोटो को डाल के तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो आपके बीट के साथ एकदम परफेक्टली मिल जाएगा सॉन्ग के लायरिक्स के साथ। लेकिन अगर आप इसको काइन मास्टर से बनाओगे तो आपको वहाँ पर इसको बीट के साथ नहीं मिला पाओगे और अलग ही चलेगा। अगर आपको फिर भी काइन मास्टर से है तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा काइन मास्टर से कैसे इसी टाइप का आप ब्लैक स्क्रीन बना सकते हो, ठीक है, इस टाइप का वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों हम आ जाते हैं बैक। तो बैक आने के बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस आइकन पर टैप कर देना है। दोस्तों वन बाय वन वाला ऑप्शन ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो हमारी ब्लैक स्क्रीन हमने बनाई है उसको हमें एडिट करना होगा। तो एडिट करने के जो भी ब्लैक स्क्रीन आपने बनाई है लायरिस की उस वाली ब्लैक स्क्रीन को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ब्लैक स्क्रीन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ओके कर देना, तो ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगी। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको टैप करके रखना है, बिन कैंची के बाजू वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसको आपको इस टाइप से बड़ा कर देना है फुल स्क्रीन में, ठीक है, इतना आपको बड़ा कर देना है। देन इक्वल वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है, देन ओके कर देना है। अब दोस्तों फिर से लेयर पर टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड पर आपको आ जाना है कलर फिल्टर पर और यहाँ पर आ जाना है बेसिक पे और यहाँ पर B05 जो है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस टाइप से वाइट हो जाएगा, देन दोस्तों ओके कर देना है। अब यहाँ से इस वाली वीडियो को जो भी आपने ब्लैक स्क्रीन बनाया है उसको एक्सपोर्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ से बैक आ जाना है, देन एक बार फिर से बैक आना है, फिर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, प्लस वाले आइकन पे जाके और यहाँ पर आपको 16:9 वाला प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों आपको आ जाना है जो वीडियो आपने डाउनलोड की होगी एवी प्लेयर से, ठीक है, जो भी वीडियो आपने एवी प्लेयर से डाउनलोड की होगी उस वाली वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये वो वीडियो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, देन ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी वीडियो आ चुकी है और मैं इसको प्ले करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से, ओके। देन दोस्तों अब हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट की अगर अभी उस वाली वीडियो को यहाँ पे ऐड करना, तो जाना है लेयर पे, फिर जाना है मीडिया पे और लायरिक्स वाली वीडियो को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लायरिक्स वाली वीडियो आ चुकी है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको इस टाइप पे यहाँ पर सेट कर देना है। नीचे के साइड पर आपको आ जाना है ब्लेंडिंग में और इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा ब्लैक लाइन आ रहा है तो उसको हमें कट करना होगा। यहाँ से बैक जाएंगे, अब जाएंगे क्रॉपिंग में और इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से कट कर देंगे, ओके। तो एकदम परफेक्ट बन चुकी है। अब दोस्तों इसकी साइज आपको जितनी रखती है उतनी यहाँ पे आपको रख देनी है, देन ओके कर देना। अब दोस्तों दोनों में से किसी एक का आपको साउंड बंद कर देना, ठीक है, या तो फिर आपको इसका कर दीजिए या तो फिर ऊपर वाले वीडियो का किसी एक का साउंड आपको बंद कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर जो सोशल मीडिया का मैंने जो PNG लगाया वो अगर आपको लगाना है तो उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, तो उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए, फिर जाइए लेयर पे, फिर जाइए मीडिया पे, फिर उस वाली यहाँ पे इमेज को ऐड कर दीजिए।
तो इस वाली इमेज को आपको लेना है, देन साइज आपको छोटी कर देनी है अपने हिसाब से, देन यहाँ पर इस टाइप से रख देना है। ओके, देन इसको आपको पूरे वीडियो में आगे तक खींच लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट बन चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर जाके वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे एक्सपोर्ट करोगे ये वाली वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप बिना रेसो एप्लीकेशन को यूज़ किए इसी टाइप के आप वीडियो लायरिकल वीडियो बना सकते हो। दोस्तों आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।